हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने पेटीएम में मिनी केवाईसी कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं पहले आपको इसके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। तो जब आप अपने फ़ोन में मिनी केवाईसी कर लेंगे तो इससे आप अपने पेटीएम वैलेट में किसी से भी पैसे मंगवा सकते हैं, पर उसकी एक लिमिट होती है। आप 10,000 रुपये तक ही इसमें एक मंथ में रख सकते हैं अपने पेटीएम वैलेट में, ये इसकी लिमिट है। दूसरा, इससे आप किसी भी ऑनलाइन साइट्स या एप्लीकेशन पे इससे पे कर सकते हैं अपने पेटीएम वैलेट से मिनी केवाईसी करने के बाद। और इसका तीसरा एक और बेनिफिट है, जब आप किसी शॉप पे कुछ परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है स्कैन एंड पे का, तो आप इससे भी पे कर सकते हैं। पर इसमें 10,000 तक ही लिमिट होती है, एक महीने के अंदर आप 10,000 रुपये तक ही रख सकते हैं। ये तो इसके कुछ फ़ायदे थे, अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपने पेटीएम वैलेट से किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपने किसी भी फ्रेंड्स को नहीं कर सकते, किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं होता, और ना ही आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें आप सेविंग अकाउंट्स भी अपना ओपन नहीं कर सकते, तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने पेटीएम में मिनी केवाईसी कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें हमें सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर जाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि पेटीएम पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इसके आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाकर ईज़िली उसे सीख सकते हैं, ठीक है। हमें पेटीएम ऐप ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स आइकन भी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे योर अकाउंट वाला ऑप्शंस दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, अकाउंट डिटेल्स, यूपीआई, पेटीएम वैलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पोस्ट पेड, पेटीएम फर्स्ट, इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अकाउंट डिटेल्स के ऊपर। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये इनएक्टिव दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे ये साइड में एक्टिवेट नाउ का बटन का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है कम्प्लीट यूअर मिनिमम KYC एंड एक्टिवेट वैलेट, ठीक है। तो इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जॉब कार्ड है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास जो भी है हम उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर पासपोर्ट है तो यहाँ पासपोर्ट नंबर और फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। और अगर वोटर आईडी है तो यहाँ पे वोटर आईडी और फुल नेम आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आ जाएगा और यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा और उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। आई एग्री करेंगे और सबमिट कर देंगे तो हमारी मिनिमम KYC यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल से मिनिमम KYC कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि इसको सबमिट करने के बाद इससे क्या क्या बेनिफिट हैं आपको, वो चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, देख सकते हैं आप। जब आपकी मिनी KYC हो जाएगी तो आप पे टू 12 मिलियन प्लस मर्चेंट वो एक्सेप्ट पेटीएम, ठीक है। तो ये वो है शॉप वाला, जो आप शॉपिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं तो वहाँ पे आप QR कोड स्कैन करके वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पे ऑनलाइन ऑन एनी ऐप और वेबसाइट, किसी भी ऑनलाइन ऐप पे या वेबसाइट पे कर सकते हैं। बैलेंस जो है आपका 10,000 तक पर मंथ इसमें मेंटेन रख सकते हैं। कैन नॉट सेंड मनी टू ए फ्रेंड वैलेट, किसी भी फ्रेंड्स को या किसी को भी आप
अपने वैलेट से मनी सेंड नहीं कर सकते, ना ही आप ट्रांसफ़र मनी टू बैंक भी नहीं कर सकते, और इसमें 1 लाख तक आप बैलेंस भी नहीं रख सकते, और ओपन सेविंग अकाउंट्स ये आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।